कैसे करेंगे बता दें सीधे, हम ट्राई करोगे? देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, दो इक्के दो, दो में घटा एक, तो ऐसे क्वेश्चन में सीधे जब भी एक प्लस एक करके माइनस करके लिखा रहा है संख्या, तो हमेशा अगर माइनस लिखा है तो सीधे घटा दो और प्लस लिखा जोड़ दो, दो एक तीन बटा दो, तीन में घटाओ दो बटा तीन, ठीक है, तीन में एक जोड़ो चार बटा तीन, अगला क्या रहा होगा तुम खुद सोचो, अगला क्या रहा होगा, एक माइनस एक बटे चार, और यहाँ क्या रहा होगा, एक माइनस एक बटे सॉरी एक प्लस एक बटे चार एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये क्या बनेगा, चार में घटा, चार में घटा तीन बटा चार, चार में जोड़ो पाँच बटे चार, मुझे लगता है यहाँ तक कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, इसी तरह करते हुए चले जाना है तुम्हें, मैं पूरा लिख ही देता हूँ, चार के बाद कौन आता है पांच, तो पहले पांच में घटाओ चार बटे पांच, ठीक है, और फिर पांच में एक जोड़ो छह बटे पांच। तो आप देख रहे हो, आप पहले एक पेयर को सॉल्व करो, मात्र एक पेयर को, जब मैं एक पेयर को देख रहा हूँ ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, मात्र एक पेयर को देखो ध्यान से, ये पूरा पूरा क्या हो रहा है कैंसिल, इसको इस तरह जितने भी पेयर होते होंगे ये सभी में क्या होते जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे, नहीं हो जाएंगे क्या कैंसिल, ध्यान दो। अगर मैं इधर उधर का पेयर बना रहा हूँ, इधर उधर पेयर, एक इसका और एक इसका, एक इधर का एक इधर का, मतलब एक दो वाला एक तीन वाला, एक तीन वाला एक चार वाला, एक चार वाला एक पांच वाला, तो पेयर जैसे बना रहे हो तो ध्यान से देखो ये क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। इस तरह आगे एक पांच वाला एक छह वाला जो पेयर होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखो लास्ट वाला पेयर कैंसिल हो रहा है, पहला वाला पेयर बच गया, तो लास्ट वाला पेयर कैंसिल हो रहा है इसका पहले पेयर का लास्ट वाला पेयर, तो जाहिर बात है लास्ट वाले पेयर में और इसका पहला वाला पेयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा कौन, केवल ये लास्ट वाला बचेगा, तो नौ एक का नौ, नौ एक दस बटा नौ, ये बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नहीं सुने बात, फिर से बताएं आ गया सभी को, आ गया। अब जैसे ही बचा तो बचा क्या, केवल इधर एक बटा दो, इधर क्या बचा बेटा दस बटा नौ, क्या हो जाएगा पाँच बटा नौ, ये आपका उत्तर। जब भी क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े आते हैं ना, याद रखो तुमसे बस ये टेक्निक देखना चाहता है तुम कितने बुद्धि लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, अगर तुमने अदर इधर उधर कुछ किया तो फिर क्वेश्चन नहीं लगेगा, भटक जाओगे। बड़े क्वेश्चन देखने में होता है, करने में देखो कितना आसान, इजीली लग गया, डिफिकल्ट लगा समझ आ गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना था। एक क्वेश्चन और दे दें इसी के बेस पर, इसको देखो कैसे करते हो, मतलब घुमाने के लिए क्वेश्चन अगर हम दे दें तो कैसे डील करोगे। क्वेश्चन ये दिया गया, वन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, वन माइनस वन बाई थ्री का स्क्वायर, वन माइनस वन बाई फोर का स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन, वन माइनस वन बाई हंड्रेड सॉरी ले लेते हैं, हाँ चलो हंड्रेड का स्क्वायर ले लेते हैं। वन माइनस वन बाई हंड्रेड का स्क्वायर सॉल्व करिए इसको। देखो तुम लोग थिंक नहीं कर पाते हो, पहला काम इसका स्क्वायर ब्रेक, इसका स्क्वायर खोल देना बेवकूफ़ी थी, खोल दिया बेवकूफ़ी। अभी ये मैथड सिखाने का क्या तात्पर्य हुआ, अभी हमने आपको इससे पहले क्यों सिखाया, हमने आपको ये तो सिखाया ना कि जब भी ऐसे पेयर मिल जाए तो कैसे डील करना चाहिए। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब जो स्क्वायर में लिखा है उसको क्या लिखेंगे, वन माइनस वन बाई टू और वन प्लस वन बाई टू, ये क्या लिखेंगे, वन माइनस वन बाई थ्री, वन प्लस वन बाई थ्री, इसको क्या लिखेंगे, वन माइनस वन बाई फोर, वन प्लस वन बाई फोर, और एंड सो ऑन करते हुए चले जाओ, तो ये क्या लिखा हुआ है, वन माइनस वन बाई हंड्रेड और वन प्लस वन बाई हंड्रेड, कहीं ब्रेक करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, मतलब वो टू टू जा फोर थी थ्री नाइन कर दोगे फिर क्वेश्चन लगा चुके तुम, ठीक है, समझ में नहीं आया, और ऐसे में आप वही गलती करोगे, मुझे पता था, स्क्वायर देखा तो सर स्क्वायर को तो खोल लेंगे ना, हमेशा याद रखो टेक्निक इस्तेमाल करना है। अब जिसने भी इस क्वेश्चन में ऐसा लगा दिया है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों करोगे, गलत नहीं होगा, कर ही नहीं पाओगे, टू टू देखो कितना हो रहा है, नहीं हो रहा ना, देखो टू टू जा फोर गया, फोर में बन गया थ्री, थ्री बाई फोर आए, अब यहाँ पर थ्री जा नाइन, नाइन में एट बाई, अब कितने सिम्प्लीफाई करोगे, कर ही नहीं पाओगे कैलकुलेशन,
अब इसमें क्या फायदा है, इसमें क्या फायदा ध्यान देना, इसमें यह फायदा है कि जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, दो में देखो माइनस लगा घटा दो, दो में गया एक बटा दो गुड़े तीन बटा दो, दो एक के दो एक तीन बटा दो, ठीक है इसमें आया तीन बटा दो गुड़े तीन में घटा दो बटा तीन, तीन में जुड़ा चार बटा तीन, ठीक है चार में घटा तीन बटा चार, घटाओ पांच बटा चार। अब ध्यान से देखो, ये एक पेयर लेकर आया था, ये भी एक पेयर लेकर आया था, ये भी एक पेयर लेकर आया था, ये भी एक पेयर लेकर आया था, इसने क्या किया, इसके पेयर देखो, इसका ये पेयर चल रहा था, इसने इसका लास्ट इसका पहला उठाया, इसका लास्ट इसका पहला उठाया, इसका लास्ट पहले आगे वाले का पहला, तो हमने क्या देखा कि इस वाले पेयर का लास्ट नहीं दिख रहा है कि तीन से तीन गया दो से दो गया, अभी बताया चार से चार गया तीन से तीन गया, ठीक इस तरह चार से चार गया होगा पांच पांच गया होगा, बस ना नहीं आ रही, तो इस पेयर का लास्ट और इस पेयर का पहला, इस तरह इसमें क्या होगा, इसका पहला और इधर वाले का लास्ट कैंसिल हुआ होगा, तो ये लास्ट वाला तो बचेगा ना केवल, तो इस तरह काटते हुए चले जाओगे और ये कितना आएगा 99/100 और ये कितना आएगा 101/100, तो ये कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा इसके आगे वाले, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या केवल, तो ये हो जाएगा 101/2 और यहाँ 101/100 आपका क्या बनेगा आंसर, तो 101/200। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि हमें इसका प्लस और इसका आगे वाले का माइनस लेते हैं, वही आपको लिख देते हैं, वही सीधे आंसर दे देता है, क्या सीखे इसका प्लस इसका माइनस और इसका प्लस लास्ट वाला उठा के रख दो वही आपको क्या दे देता है आंसर दे देता है। नहीं समझ क्या बात आ गई, एक क्वेश्चन ले लें, लेते हो हर बार है, इस बार थोड़ी बुद्धि चला लेना, ठीक है हमने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन में इस इधर वाले का माइनस पार्ट इधर वाले का प्लस पार्ट लेना है और वही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इधर वाले का क्या माइनस पार्ट इधर वाले क्या प्लस पार्ट लेना है, चलो ले लेते हैं, इधर का माइनस पार्ट क्या आएगा सीधे करो ना, दो में घटाओ एक बटा दो, इसका प्लस वाला पार्ट क्या आएगा, अब देखो 50 का स्क्वायर नहीं करना है, 50 का स्क्वायर करने की कोशिश ना करना, 50 लिखा है 50 में जोड़ो 51/50 इधर प्लस वाला लेना है, हमने बताया इसको कर दो आंसर आ जाएगा, तो 51/100 ये आपका उत्तर, कितना इजी हो गया, यही आया इजी हो गया, क्या भी डाउट है हो गया ना, तो इस तरीके से कितना भी बड़ा क्वेश्चन, अब इसी में मैं अगर एंड सोन करके अगर मैं इसी में एंड सोन करके और मैं यहाँ लिख देता 1/1 - 1/1000 का स्क्वायर कर देता तो भी आपका उत्तर इजीली आ जाना चाहिए, नहीं आ पाएगा, आ जाएगा ना, ठीक है चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं सिंपल और कर देते हैं 9 9 9 का स्क्वायर, कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है, करने में नहीं लेकिन देखने में जरूरी है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, चलो बताओ ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या बोलेंगे इधर 1/2 इधर क्या हो जाएगा 1000/999 अभी बताया मैंने, इधर वाले का माइनस इधर वाले का प्लस ले लेना है केवल और आपके इधर क्या हो जाएगा बेटा 500 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर क्या देगा 500/999 आपका उत्तर हो जाएगा, बोलो नहीं आया आ गया ना, मैं बोलता हूँ बोलो नहीं है तो बोलते हैं आ गया, ठीक है 3/4 + 7/34 + 7/144 + 19/8100 इसको कैलकुलेट करना है शॉर्ट टाइम में, अब बोल दो तो बच्चे की जान लोगे, आज ही लेंगे इसी वक्त लेंगे, चलो करो मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मात्र होने चाहिए 10 सेकंड, क्या 10 मिनट काफ़ी होंगे आपके लिए भाई, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए लगने चाहिए मात्र 10 सेकंड, क्या आपके लिए 10 मिनट काफ़ी हैं, क्या और दें, नहीं हो पाएगा, हो सकता है ना 10 मिनट काफ़ी हैं 10 सेकंड नहीं हो पाएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे लगाएंगे और ये सच है ये 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इससे तो नहीं स्टार्ट होगा, अरे समझाएंगे हमारे टाइम स्टार्ट करोगे हम रख देंगे आंसर, बोलोगे आए या कैसे आवा, उससे बेहतर पहले समझा देते हैं तुम्हारे आए बोलने से पहले ही,
बोले टाइम स्टार्ट, तुम ही करोगे 10 सेकंड में, टेंशन मत लो। ठीक है, आपको ऐसा करना है कि इन क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक करना है जिसका डिफरेंस 3 हो जाए, 3। तो देखो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, 1 4 4 है ना, मतलब 4 1 4। इसको ब्रेक कर रहा हूँ कितना है ना, तभी होगा ना डिफरेंस। याद रखना डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 का। अब बताओ इसको कितना कर दूं, 12 × 12। अरे वाह, डिफरेंस 7 आ जाएगा, नलायक कहीं का कितना, 16 × 9। ठीक है चलो अगला, इस तरह करते हुए चले जाओ। इसका बताओ, शर्म आनी चाहिए। हमने क्या कहा, ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस कितना हो जाए, 3, मतलब ऊपर वाला आ जाए। तो ऐसा फैक्टर किया हमने, 4 × 1 × 4 कर दिया, 4 × 9 कर दिया, 9 × 16 कर दिया। इस तरह इसको सोचो कि इसमें इतना कैसा फैक्टर कर दें कि जिसका डिफरेंस कितना हो जाए, 19 हो जाए। बताओ कितना होगा डिफरेंस, बताओ ऐसा फैक्टर करो डिफरेंस आ जाए 19। अच्छा 81 में 100 घटाओ सीधे मन रहा है क्या चीज, ये क्या है ये, हाँ करके देखो, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान देना। अब ये जो टाइप हम चलाने वाले हैं, इस टाइप की सबसे बड़ी खूबी क्या है, इस टाइप की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये फ्रैक्शन देखने में बड़े डिफिकल्ट होंगे, रियलिटी में डिफिकल्टी होंगे है ना, लेकिन इनको इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। कैसे, डिफरेंस मेथड से। याद रखना कि नीचे वाले नंबर का ऐसा फैक्टर या ऐसा फैक्टर फॉर्म में रहे जिसका डिफरेंस ऊपर वाला आ जाए, नीचे वाले में डिफरेंस कहा जाए ऊपर वाला हो, जैसे डिफरेंस जो भी आ रहा है अगर ऊपर मिल रहा है वो डिफरेंस, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बन जाते हैं। कैसे, मैं अगर ऐसा देख पा रहा हूँ कि इनका जो डिफरेंस है वो कहाँ पहुंच रहा है, ऊपर वाला आ रहा है, देखो 4 9 इनके फैक्टर किया 4 9 आया, तो 4 9 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, ऊपर वाला आ रहा है। देखो 9 और 16 हुआ, उसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 7, ऊपर आ रहा है। देखो 81 और 100, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 19, देखो ऊपर आ रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन में आप इसको बताओ ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, यस या नो भाई, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ब्रेक कर लो, छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में। ठीक है चलो प्लस लगाओ, इसको क्या लिखेंगे हम, 1/4 − 1/9 करके देख लो, वही आएगा, समझ नहीं आ रहा है। इसको क्या लिखेंगे बेटा, 1/9 − 1/16 करके देख लो, वही आएगा। प्लस इसको एंड सोन लगा दो, और कहाँ लिखोगे, 1/81 − 1/100 करके देख लेना, वही आएगा। फिर से समझ लेते हैं, हमने क्या कहा, ये डिफरेंस हमें ऐसे देखना है जिसका डिफरेंस कितना आ जाए, 3 आ जाए, ऊपर वाला 3 है तो 3, 5 है 5, 7 है 7, और 19 है तो 19 आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आ गया, ठीक। आने के बाद फिर इस फ्रैक्शन को, ये जो फ्रैक्शन ऐसा दिख रहा था, इसी फ्रैक्शन को कुछ इस फॉर्मेट में ब्रेक कर लेंगे। फॉर्मेट क्या है हमारा, 1 − 1/4, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3/4 ही आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5/36 ही आएगा। इस तरह से कैलकुलेट करते चले आएंगे, आपका वही मिलेगा। इसका मतलब मैं इसको, ये जो फ्रैक्शन है इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। ऐसे सभी क्वेश्चन में जिसका डिफरेंस आपको ऊपर मिल रहा है, जिसका नीचे वाला डिफरेंस ऊपर मिल रहा है, उन फ्रैक्शन को आप ऐसे सीधे ब्रेक कर देना माइनस के फॉर्म में, कर पाओगे, हर क्वेश्चन में भी करा देंगे ना। अब करने के बाद ध्यान से देखो, ये प्लस माइनस के प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका लास्ट वाला इसका पहला कैंसिल हुआ, इसका लास्ट इसका पहला, इसका लास्ट इसका पहला, करते 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 ध्यान देखो, इसका पहला कैंसिल हो जाएगा आगे वाले के लास्ट से, तो बचेगा क्या मात्र, तो बचेगा क्या मात्र, 1 − 1/100। सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 100 में 1 सेपरेट होगा, 99/100 भाई, 100 × 100 में घटाओ 99/100, बन गया। नहीं कर पाओगे, 100 टाइम में कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है डिफरेंस करेंगे लास्ट में कट ही जाएगा। तो सीधे इसका पहला उठा लेना है और सीधे इसका लास्ट उठा लेना है और डिफरेंस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ दीदी, कर लोगे ना, बस ये चीज आपको ध्यान देना, डिफरेंस याद रखना है। इस क्वेश्चन का मान निकालो विद इन 5 सेकेंड, निकालो। टेन बाई 39, वेरी गुड। चलिए हम बताते हैं अब कैसे लगेगा, करना क्या है, इसको क्या लिखेंगे, 3 × 4, इसको क्या लिखेंगे, 4 × 5, इसको क्या लिखेंगे, 5 × 6, और इसको क्या लिखेंगे, 12 × 13। ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है। तो हमने, अगर हम सीधे आंसर निकालें तो मेरा आंसर जो आएगा 1/3 − कितना है जाएगा, 1/13, और आंसर आ जाएगा 10/39, ये आपका आंसर। लेकिन अब पूछें कैसे आएगा, तो उसको पहले समझ लेते हैं कैसे आएगा।
कैसे आएगा ध्यान देना, इसको लिखूंगा 1/3 माइनस 1/4 प्लस, इसको लिखूंगा 1/4 माइनस 1/5, इसको लिखूंगा 1/5 माइनस 1/6, इसको लिखूंगा 1/12 माइनस 1/13। ध्यान से देखोगे तो ये माइनस में ये प्लस में क्या हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस में आगे वाला प्लस में क्या हो जाएगा कैंसिल, और इस तरह ये वाला इधर वाला माइनस ये वाला प्लस में रहेगा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या केवल, तो बचेगा इधर 1/3, इधर बचेगा क्या माइनस 1/13। ऐसे क्वेश्चन ये करना है ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा कितना 13 माइनस 3 अपॉन 39 कितना आ जाएगा 10/39। यह आपका उत्तर। अभी समझ में आया कि नहीं आया, आ गया कर सकते हो शॉर्ट टाइम में, तो अभी भी नहीं कर पाओगे, कर लोगे कर लोगे, फिर देखते हैं एक बार, फिर देखते हैं आपके अंदर जोश आया कि नहीं आया। अच्छा देखने में वो डरावने क्वेश्चन होते हैं ना कि मतलब कर ही ना पाओ, देखने में इतने डरावने होते हैं लेकिन रियलिटी में बिल्कुल भी डरावने नहीं है। चौबीस अंक है ना, मैं खुद से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है ना, लेकिन याद रखना कॉमन सेंस वही लगेगा ठीक है। अभी लिखना नहीं क्वेश्चन, पहले बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बना रहा हूँ तो जाहिर बात मैं काटूंगा पीटूंगा फिर बोलोगे सर यार का कर देखो, तो पहले तो लिखना नहीं अभी है ना। इस क्वेश्चन का मान निकालना है, इस क्वेश्चन का मान निकालना है, निकालो भवानी हो, बोला था संडे को कुछ नया सीखा करो है ना, उससे हटके बाहर निकलो थोड़ा सा। बनाओ जरा देखते हैं क्या सेंस लगाते हैं, एक एक अंतर नहीं आ रहा है। अच्छा तो दो दो अंतर लेकर आ नहीं सकते हो, दो से गुणा दो से भाग कर लो, ये भी तो सोचना पड़ेगा, ये भी बता चुके हैं बेटा। नहीं लगा नहीं, सच में यार अटैक आ रहा है चाहिए मुझे तो इस समय आए, ध्यान दीजिए इधर नहीं लगा अभी तक ना, कितना आ रहा है 98/200। हाँ ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो मैं करके दिखाता हूँ। पहला काम है अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था, ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था 2×4 ठीक है, और 4×6 तो यहाँ पे 6×8 और यहाँ पे इस तरह देते देते चले जाओ, और ये हो सकता था यहाँ पे 98×100, ऐसे भी ये क्वेश्चन हो सकता था। नजरिया का अंतर है, ये दोनों सेम ही बात लिखी हुई है, गुड़े ये बिंदु एक्चुअली में दशमलव नहीं है, ये क्या है गुड़ा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो उसको करने का तरीका क्या है, आप देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कितना है 2-2 और सभी में 2-2 डिफरेंस है, लेकिन ऊपर क्या डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर डिफरेंस है क्या नहीं है, नीचे के डिफरेंस ऊपर होना चाहिए लेकिन ऊपर डिफरेंस नहीं है, तो लाने के लिए क्या करेंगे, अगर 2 का डिफरेंस चल रहा है और 2 का डिफरेंस नहीं है तो क्या करेंगे 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, तो 2 का डिफरेंस आ नहीं आया, आ गया 2 का डिफरेंस आ गया कि नहीं आया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम सीधे लिख सकते हैं क्या 1/2 माइनस 1/4 ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/6, इसको क्या लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/8 प्लस एंड सो ऑन, ये क्या बन जाएगा बेटा 1/98 माइनस 1/100। क्या ये बात सबको समझ में आ गई नहीं आई, आ गई ना, इसका कैलकुलेट करके देखो वही आएगा,
तो आप सीधे भी निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे सीधे भी निकालेंगे। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, आगे वाले सी इधर से कैंसिल हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? अब हमारे पास बचेगा क्या बेटा, तो यहां बचेगा 1/2 × क्या है बेटा, इधर हमारे पास 1/2 बचेगा, और इधर क्या बचेगा हमारे पास 1/100 बचेगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, कैलकुलेशन करिए, तो 98/200, 2 से सिंपलीफाई कर लो, कितना आ जाएगा 49/200। अब बताओ इजी था या डिफिकल्ट था? इजी था। अब ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, जब सभी का डिफरेंस सेम हो जाए और डिफरेंस ऊपर ना मिले, तो याद रखना हम तरीका बता रहे हैं, जब भी वो डिफरेंस सेम हो जाए और डिफरेंस आपको ऊपर नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, सीधे देख समझिए इस बात को, ठीक है? अगर डिफरेंस मिल रहा है और ऊपर नहीं दिख रहा है तो वो डिफरेंस यहां पे लिखेंगे, डिफरेंस जो भी है, जैसे जो भी है लिख देंगे, 2 का डिफरेंस है 2 लिख देंगे, 4 डिफरेंस हो 4 लिख देंगे, 6 का डिफरेंस हो 6 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसका जो सबसे पहले छोटा वाला फैक्टर होता है वो लिखो, सबसे छोटा वाला फैक्टर लिख देंगे, इसका जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होता है वो लिखो, सबसे बड़ा वाला फैक्टर लिख देंगे, और वही आपका रिजल्ट दे देगा बेटा, इधर से वही आपका क्या दे देगा, रिजल्ट। चलो करके देखो, 1/2 सबट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, 98/100 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, कहीं गलती कर दी, 200। अच्छा यहाँ पे 200, ये सबको समझ में आया? क्या बोला मैंने, कैसे शॉर्ट टाइम में करोगे, डिफरेंस सभी का सेम अगर आ रहा है वो डिफरेंस ऊपर नजर नहीं आ रहा है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो डिफरेंस बनेगा ऊपर वो डिफरेंस मिल जाएगा, और मान लो नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो सभी में सेम है वो फिर भी नहीं मिल रहा है, सेम है तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो हर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि जो डिफरेंस आ रहा है उसको हमने 1/2 में लिख दिया है, और लिखने के बाद इसका छोटा वाला वैल्यू और इसका बड़ा वाला लिख लेना है, डिफरेंस कर देना है, आंसर आ जाएगा। कर पाओगे, कर पाओगे? एक क्वेश्चन देखें आप, क्या बड़ा है क्या, अरे समझ में आ रहा है तुम लोग को, मुंह से बोलो। हाँ बस आना चाहिए, इसमें खाली ट्रिकी होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, मतलब ये नहीं होता तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रहा कि तुम पूरा कैलकुलेट करो तब आंसर आएगा, ये तुमसे उम्मीद ऐसे ही क्वेश्चन करने की कर रहा है कि आप ऐसे ट्राई करो। अब जो बच्चे ऐसे नहीं पढ़े ना वो सीधे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, वो विश्वास मानिए एग्जाम खत्म हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, ठीक है? और कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, ऑप्शन मिलेगा नहीं, फिर दोबारा ट्राई करो। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है? ये 63 है। एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है? ताकि तुम आराम से क्वेश्चन को ट्राई कर पाओ। ओके चलो सॉल्व करो ऐसे क्वेश्चन को। हो गया, हो गया, बताओ। 10/189 हो गया, बताओ। 9/10, अरे हिंदी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कितना आया, 10/189। बहुत टाइम ले लेते हो आप लोग, तो देखिए कभी अभी नहीं हुआ तुम लोग का,
ये बताओ डिफरेंस कितने का, देखो सभी डिफरेंस सेम, इसमें भी होगा छः, इसमें सभी के डिफरेंस क्या है सेम है, छः है। जब सभी के डिफरेंस सेम मिल जाए, ऊपर एक एक हो तो हमने पहले तो डिफरेंस लिख देना, डिफरेंस कितना होगा बेटा छः, तो डिफरेंस आ गया छः। इसका छोटा वाला लिखो एक बटे तीन, उसका बड़ा वाला लिखो एक बटे तिरसठ, तिरसठ इक्के तिरसठ में तीन गए साठ बटे कितना तीन गुणे तिरसठ, ऐसे लिख देना कोई दिक्कत। छः दहम में साठ हुआ आपका कितना आ जाएगा दस बटे, इसका गुणा कर लो तीन तरक्का नौ छत्री का अठारह, ये आपका आंसर। कितना टाइम लगना चाहिए, हो गया नहीं समझ में अभी भी आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए और फिर भी एग्जाम में छोड़ के चले जाओ तो बेटा अपने आपको यहाँ आना और एक बंदूक उठाना और दाग देना, तुम्हें जिंदगी जीने का हक नहीं है। ऐसे ऐसे में क्वेश्चन बताओ ये नहीं लगा पाओगे, जीने का हक नहीं है, आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, कर लोगे ना? ठीक है, और नहीं कब कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कुछ सीखने को मिला? अब जाओ अपने दोस्तों डराओ जाके, करके दिखाओ। और ना कर पाए कदो देखो किसी में करके दिखा दो, कदो देखा कहें कैसे हुआ कदो ये ना पता। ये बचपन की कहानी होती है, जब भी कुछ नया सीख लो और ऐसा सीख लो जो मतलब यूनिक हो तो फिर पूरे दोस्त को परेशान करो जाके। सूर्या कभी किया है? नहीं किया, कुछ नया सीखा ही नहीं होगा। सीखा हो तो जरूर करते हैं। सीखा हो तो जरूर करते हैं ना। अगला क्वेश्चन एक बटे पैंतालीस, एक सौ सत्रह प्लस एंड सो ऑन प्लस बेटा ये क्वेश्चन है, उड़ा दो क्वेश्चन को, मैदानी जंग ऐलान कर दो, आंसर आना चाहिए स्पीड में। लो अब तक आया नहीं, हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं अभी तक, हो तो हर बार जाता है लेकिन होता नहीं है। सर जी गुणनखंड नहीं हुआ, बाकी सारे हो ही रहे हैं। अभी देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, फाइव इंटू नाइन नौ पैंतालीस होता है, ठीक है, और नौ देखो कितने का अंतर चल रहा है चार का, तो अगला चार ही आएगा, करके देख लो नौ सत्रह है ना, तेरह भैया एक सत्रह। अब इसको करेंगे तो इकसठ गुणे पैंसठ, करके देख लो, यही वाला तो नहीं हुआ था। यही वाला तो नहीं हो रहा था बिल्कुल, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। डिफरेंस कितने चल रहा है, चार का डिफरेंस चल रहा है, छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में, छोटा वाला पहले और बड़ा वाला बाद में, ये वाली क्लियर बात हो गई। एक बटे चार, चलो बताओ पैंसठ में पांच गए साठ, और बटे पांच गुड़े पैंसठ, पांच गुड़े पैंसठ, काटो बेटा इसको, कटेगा चार के चार पंचो को बीस, और यहाँ पे हमारे पास हो गया पंद्रह, पंद्रह से कटेगा ना ये तो पाँच से कट जाएगा, तो हटाओ तीन बटे कितना आया पैंसठ, तीन बटे पैंसठ आपका उत्तर। बोलो समझ में आया नहीं आया? आया। और अगर फिर भी ना हो तो गड़बड़ी है, यह है तो नहीं मात्रा इकसठ गुड़े पैंसठ हो, अरे यार होएगा, हो गया वो हमें पता था इसलिए तो देते हैं। चलिए अब मुझे लगता है कि अब ऐसे क्वेश्चन आप उड़ा सकते हो, अगर आपको लगता अभी नहीं कर पाएंगे तो एक दो और कर दें। मैथ समझ में आ गया, कैलकुलेशन नहीं होता है। जब कैलकुलेशन हम कर देते हैं तो समझ में आ जाता है, वाह भाई वाह, यही तो अराली है। चलो जल्दी करो, लो हुआ ही नहीं अब तक हैं?
अरे कॉमन सेंस वाली बात है ना कि 10 में 2 ही फैक्टर होंगे, 2 गुणे 5 3 का डिफरेंस, तो सभी में 3 का डिफरेंस रखना है, तो डिफरेंस देखने मतलब ही नहीं, खाली लास्ट वाला तोड़ दो, लास्ट वाला तो नहीं आ रहा है, शर्म आनी चाहिए। लिखो जा, देखो ध्यान से, इधर होगा 2 गुणे 5, इधर होगा 5 गुणे 8, तो आगे तोड़ने की जरूरत नहीं, इस तरह तोड़ते हुए चले जाना, परमवर्त 40 ही तो होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो कितना होगा, आ गया ना, देखा इधर भौकाल सजाने के लिए कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कितना जी 23 गुणे 26, ये देखो, अब देखो डिफरेंस देखोगे सभी में डिफरेंस कितना का है, 3 का है, इसमें भी डिफरेंस करोगे कितने का आंसर आएगा, 3 का ही आएगा, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो हमने बताया जो डिफरेंस आता है बेटा पहले लिखो, डिफरेंस कितने का है 3 का, छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और जब ऐसा आ जाए तो 1/3 इसको करो, 26 में 2 घटाओ 24/2 × 26, ठीक है, 3/8 = 24, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 13 × 2 = 26, आपका आया 2/13। तेज होना चाहिए क्या कैलकुलेशन, यही तो है नहीं, यही आपको अच्छा करना है, और यही हमारी कोशिश है कि आपकी अच्छी हो जाए एक बार, इसलिए एवरी संडे हम खाली यही कैलकुलेशन का ही क्लास लगाते हैं। तो ये निर्णय लेना सही था ना, संडे को खाली कैलकुलेशन क्लास सही था ना, सब दिन पढ़ाई करते हो एक दिन कैलकुलेशन कर लो, और कैलकुलेशन को मामूली मत समझना, कंपटीशन में है क्या, जिसका कैलकुलेशन अच्छा है कंपटीशन में मैथ जान लो अच्छी है उसकी, अंडरस्टैंडिंग तो आ जाती मैथ में, कैलकुलेशन ही तो बेड़ा पार गर्त करा देता है, डिमोटिवेशन जो देता है वो कैलकुलेशन ही देता है, पता सामने वाला भारत आंसर बता रहा है तुम बता ही नहीं पा रहे हो, और जब तक वो आंसर बता देता तुम लिख पा रहे हो 55% हो ही, अगर तुम्हें परसेंट निकलता तो वो आंसर बता देता ये आंसर, वो हैरान। कुछ बच्चे मुझे मिले हैं बहुत तेज कैलकुलेशन करने वाले, मतलब कि अपने लाइफ में, मतलब 5 बच्चे मुझे ऐसे मिले हैं, अलग अपनी अभी तक जर्नी में पूरी तरह के टीचिंग जर्नी में 5 बच्चे मुझे ऐसे मिले हैं जिसका कैलकुलेशन बहुत तेज था, मतलब मुझसे भी तेज कैलकुलेशन कर रहे थे, बहुत बेहतरीन कैलकुलेशन था उनका, कैलकुलेशन मतलब वो ना कि मल्टीप्लिकेशन करना, बहुत फास्टली मल्टीप्लिकेशन करते थे, तो कुछ बच्चे हैं बढ़िया रहते हैं, और कुछ बच्चे इतने निघत रहते हैं कि सबसे उनकी तो कोई गिनती ही नहीं, हमारे पास इतने भंडार है, और कुछ का तो ऐसा होता ना सीन, कहकर मैं बता के निकला हूँ कि 2 गुणे इतना करने पर ही आता है, मैं पूछूंगा कितना होता है, तो वो हमारी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे लग रहा है कि हमने उनको कुछ मांग लिया उधार। अब जैसे किसी का तुम बड़ा कीमती, जैसे तुम्हारा फेवरेट क्या है, और तुम्हारा वो फेवरेट, जैसे मान लो तुम्हारा फेवरेट बहुत कोई सूज या कुछ भी हो ऐसा फेवरेट, जिसको तुम छूने भी किसी को ना दो, और तो कोई तुम्हें उससे मांग ले कि यार ये पहने के ला दो ना, और तुम्हें पता है ये इज्जत बिल्कुल नहीं करता है, तुम इसको ऐसे देखोगे, और बहाना क्या माना, उसको पता है कि तुम, उसको ये भी पता है कि तुम आज कहीं जाने वाले हो, फिर भी तुम बहाना मारोगे नहीं मारोगे, मारोगे तो वो वाली सीन आती है उनके पास कि बेटा इसका कैलकुलेशन बताओ क्या होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इसके ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 8 हो जाए, देखो छोटी चीज पूछी, अब दीदी पूछ नहीं सकती है मुझसे कि इसका गुणनखंड करने पर, और सामने लिखा भी है इसके ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 8 हो जाए, देखो घटा के देखो, इन्होंने एक भी बार ट्राई नहीं किया होगा, इसका घटाने पर 8 आ रहा ही नहीं आ रहा है, मतलब बच्चों के अंदर डर हो जाता है, तो वैसा सीन बन जाता है, जब ऐसा सीन बन जाता है फिर लगता है यार क्या करें, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। अच्छा दीदी सोच रहे हैं, ध्यान देना, नहीं दीदी थोड़ा दिमाग लगाती है, रेडी हो, कुछ नहीं पहले कर तो ले, बहुत आसान क्वेश्चन देंगे, 99 दिया है जिसका डिफरेंस कितना आ जाए 2 आ जाए, गया मामला, वाह ये मतलब इसके ऐसे गुणनखंड करने थे कि घटाने पर 2 हो जाए, मतलब कि डिफरेंस 2 आना चाहिए, इसके ऐसे फैक्टर करने थे, तो 99 तो ऑलरेडी है, और तुम कितना बता रही हो 100 पहले ही इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करे तो 99 आए, ओ या बहुत जल्दी आंसर आ गया 11 9 जा।
देखो एक ऐसे जैसे हमने कुछ संख्या लिखी, पहले तो यही आपको आना चाहिए कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, गुणन कैसे करते हैं। यही नहीं आ रहा है तो फिर ना फैक्टर आएगा और ना ये आएगा। मुस्कुरा रही है, हमका देख दे आपको दे दीजिए, देखो चैलेंज है, देख देख ही देख लो, दिखाई तुमका ऐसा कोई इतना बात है नहीं देंगे, रहने दो, टाइम बर्बाद होगा। फिलहाल नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। आई थिंक थोड़ा बहुत हो गया ओवरऑल ही इसका। कर लोगे इस टाइप क्वेश्चन? अब इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो हम उनको कैसे डील करें सर, उसका कुछ नियम बता दीजिए। अगर मैं आपसे कह दूं, सिंपल जोड़ बता रहा हूं, अगर मैं आपसे कह दूं 33 में 3 जोड़ो तो आप बोलोगे सर कितना होगा, बोलोगे 36 होगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूं 33 + 3 + 33 + 33 ऐसे कर दूं, अब इसमें आंसर कितना होगा? आप तो भी इसको इजी वे में जोड़ सकते हो, कितना होगा? 369। इतना टाइम लगा ना, 369। अगर मैंने आपसे कहा 33 + 3 + 33 + 3 + 3 + 3 + 33 + 33 + 33 + 333, बस इतना जोड़ना है, इसको जोड़ो, लिखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को जोड़ने का एक तरीका बता दिया जाए कि बिना लिखे भी आप मुझमानी कर सकते हो, तो हो जाएगा ना, अच्छी बात, ठीक है। 10-15 स्टेप तक तो तुम इजीली कर पाओगे, और फिर जो आंसर आते हैं, और बाकी में आंसर 10 की पावर में आता है, तो 10 की पावर वाले कैसे करते हैं वो भी हम बताएंगे तुम्हें, है ना। तो हम सिंपल बताते हैं कि इसको हम कैसे जोड़ेंगे। आपको पहले हम जोड़ सिखाने से पहले आपको हम कुछ टेक्निक सिखा देते हैं। जैसे आपने कहा 33 + 3, तो सर 33 में 3 जोड़ा, ऐसे जोड़ते हो, तो 3 × 2 = 6, देखो 2 है तो 2 + 2 = 3 है, तो 2 × 3 = 6 हुआ, फिर से 3 आ गया। आपने कहा 3 × 3 = 3 × 3 = 3, अब देखना 3 तक देखो 1, 2, 3 बार, 3 × 9, फिर पहले 3 बार गुणा किया, फिर 2 बार उल्टी गिनती, 3 फिर 2 फिर 1, 3 × 9 = 3 × 9 = 6 और 3 × 1 = 3 लिख दिया। अगर हमने लिखा कि 3 3 3 3 और उसके बाद 3 3 3 फिर 3 3 और फिर 3, अब देखो 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12, अब 12 तो कह रही है 1, फिर 3 देखो 3 × 9 = 10, 3 × 9 = 6 = 7 और 3 × 1 = 3, क्या समझ पा रहे हो? 4 बार है 3, तो 4 लिखो 3 लिखो 2 लिखो 1 लिखो, गुणा करो, खाली गुणा करो, कैरी भेजो, गुणा करो, कैरी भेजो, गुणा करो, कैरी भेजो, लिखते चले जाओ, नहीं समझ क्या बात आगे। तो अगर मैं ट्रिक समझ पा रहा हूँ कि अगर ट्रिक इसकी क्या माने, कितने बार लास्ट में 3 है, 4 बार है, तो देखो 4 बार 3 ऐसे लिखा मैंने, हमने इनको जोड़ना है, तो ऐसे जोड़ेंगे, 4 × 3 = 12, 2 हासिल आया 1, फिर 4 था ना, देखो ऐसे था, 4 लिखो 3 लिखो 2 लिखो 1 लिखो, ऐसे लिख दो, 4 × 3 = 12, तो हासिल आया 1, और उसके बाद इधर 3 × 9 = 10, हासिल आया 1, 3 × 9 = 6 = 7, फिर ऐसे था 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 3। आसान था ये, डिफिकल्ट था ये तरीका, ज्यादा आसान है कि लास्ट। अब देखो मेरे पास, ध्यान से समझना, अब मैं आपको थोड़ा सा और स्ट्रेट कर देता हूँ क्वेश्चन को, मुझे लगता है आपने ट्रिक को समझ लिया है। हम आपके सामने ट्रिक बनाते हैं, रियलिटी हमारे मन में ट्रिक नहीं होती है, अभी तुम्हारे सामने बैठे बैठे बनाया, देखो बन भी गई सेट। अब क्वेश्चन की स्पीड मेंटेन करते हैं, अभी करना नहीं है कि करने लगो, अभी आराम से रिलैक्स करो, लास्ट में तुम्हें इंतजार करना है कितने 3 लास्ट में आते हैं, तब तक का तुम्हें इंतजार करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार। कैसे जोड़ेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, पहले जितने बार है लास्ट वाले स्टेप में देख लो, खड़े हो जाओ लास्ट वाले स्टेप में, और लास्ट वाले में खड़े होने के बाद गिनती लिखो, कितने हैं, 9 है ना, तो 9 लिखो, फिर 8 लिखो, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, बस गुणा करते चले जाओ, 9 × 3 = 27, 7 हासिल आया 2, 8 × 3 = 24, 2 = 26 हासिल आया 2, 7 × 3 = 21, 21 = 2, 23 हासिल आया 2, और 36 × 18 = 18, 20 हासिल आया 2, 5 × 3 = 15, 2 = 17 हासिल आया 1, 4 × 3 = 12, 1 = 13 हासिल आया 1, 3 × 9 = 10 हासिल आया 1, 3 × 9 = 6 = 7, 3 × 1 = 3 हो गया।
डिफिकल्ट लगा या इजी लगा? इजी है ना। अब जल्दी हो सकता नहीं हो सकता है? क्लियर है डाउट? क्लियर है ना? कर पाओगी थोड़ा सा? अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, अब इसको ध्यान से स्पीड में करना है, देखते हैं स्पीड में कर पाते हो या नहीं। कितना है? 49, 38, 268। यही आंसर सबका आया? ठीक है, आया तरीका। तो ऐसे क्वेश्चन देखो स्पीड में हम ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है? नहीं आएगा क्या तुम्हारा? ज्यादा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार है। हाँ तो अच्छा, 3 के बाद यहाँ 8 है। 49, 38, 268। अब मैं करके बता देता हूँ, हालांकि आपने आंसर दिया अच्छा किया, लेकिन एक बार मैं फिर करता हूँ। कितने बार चार है गिनो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसे गिनती लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4। सिंपल है, गुणा करते चलो, खाली गुणा करो। सचौक 28, हाँ सिलाया दो। सचौक 24, दो 26, हाँ सिलाया दो। पंच को 20, दो 22, हाँ सिलाया दो। 4, 4, 16, दो 18, हाँ सिलाया एक। 4, 3, 12, 1, 13, हाँ सिलाया एक। 4, 2, 8, 1, 9। 4, 1, 4। ये आपका आंसर। कर पाओगे? तो समझ में आ गया। अब इसको देखो अप्लाई भी करवाते हैं। ये ऐसा सीधे भी पूछा जाता है और इसको अप्लाई भी होता है, मैं अप्लाई भी करवाऊंगा अभी, देखना। ये बेटा नंबर सिस्टम है। अब ये तुम्हारे प्रांशु भाई ने अलग से भी पढ़ाया, बताओ भला। ये मैंने पढ़ाया था तो उन्हें ऐसे भी सिखाया था, मैंने हर तरीके सिखाया, मैंने फॉर्मूला भी वैसे सिखाया था, बहुत कुछ सिखा देता हूँ मैं। इस बार ये ट्रिक सिखा रहा हूँ, ट्रिक पिछली बार शायद नहीं सिखाई थी मैंने, ये सिखाई थी नहीं सिखाई थी, वो दूसरी 10 की पावर वाले में सिखाया था। क्योंकि उसमें क्या है ना कि उसमें जब 100, 99 देखो तो ट्रिक वैसे भी फेल हो जाएगी। वो जो था वो हर जगह अप्लाई होता है, वो फाइनल रिजल्ट, वो फॉर्मूला भी दिए, वो हम वे बात बताएंगे, वो तो बता ही चुके हैं। अब ये शॉर्ट ट्रिक से जैसे मान लो 7, 10 टर्म तक रहता है तो आप सीधे ऐसे जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी किसी को नहीं मना करता हूँ। और मैंने इनको 10th पढ़ाया, मैंने इनको 12th पढ़ाया, मैंने ही पढ़ाया, टीचर मैं ही उनका, और मैंने कंपटीशन भी पढ़ाया उनको। सब कुछ पढ़ाने के बाद भी मैं ज़्यादा टूटता रुकता नहीं हूँ, बस एक बार बोलता हूँ संभल जाओ नहीं बिगड़ जाओ। तो आज देखो जा रहे हैं बढ़िया लाइन से बने हुए हैं, आज देखो सारे एग्जाम डालते हैं, सारे एग्जाम निकल रहे हैं। तो हम कभी नहीं बोलते हैं कि आपकी पढ़ाई खराब है तो आप कभी खराब हो, ऐसा नहीं है। आप जब स्टार्ट करो, लेकिन हाँ जब भी स्टार्ट करो रेगुलर कब तक करते रहो? जब तक अंदर तुम्हारे दम है, जब तक जीवित हो तब करते रहो। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष मत घबराओ कि यार एक साल तैयारी करें हुआ नहीं, अरे नहीं हुआ कोई बात, अगले साल होगा, उसके अगले साल होगा। जब तक तुम्हारी एज है कम से कम तब तक तो हार ना मानो। एज निकल गई, बहुत लोग तो देखो दोबारा मार्कशीट बनवा के दोबारा ट्राई करते हैं, कम से कम जब तक एज है तब तक तो हार ना मानो। यहाँ बच्चे 1-6 महीने में हार मान जाते हैं, एक बार नहीं निकला कहो हार मान जाए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। प्रतिवर्ष अपने आप को डील करना है। अभी देखो मैंने एक नया कल ही क्वेश्चन डाला था कि एग्जाम नहीं निकले फिर भी आओ और बोलो एग्जाम से, तो मैं घमंड बच्चा एकदम पक्का तोड़ा पास तो रह गयो, अगली बार पक्का ये पक्का निकलियो तुम, निपटा तुम काम, जैसे कुछ हो जाए होगा। हम जिस देश की भी कहानी सुना रहे थे उसके पहले साल कोई एग्जाम नहीं निकले थे, कोई एग्जाम नहीं निकले, दूसरे साल भी नहीं निकले थे, तीसरे साल से एग्जाम निकलना स्टार्ट हुए थे उसके, लेकिन निकले तो एक सारे निकलना स्टार्ट हो गए थे। वही चीज़ सभी की कहानी ऐसी होती है, सबको डायरेक्ट सक्सेस नहीं मिलती, फेलियर अचीव करना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत किस्मत वाले बच्चे होंगे जिसको सीधे सक्सेस मिल गई होगी। तो इसलिए आप लोग मेहनत करो और अगर एम बनाया है तो उसको अचीव करो। अब हार ना मानना कब तक? जब तक नौकरी ना लग जाए तब तक। एक बार नहीं निकलेगा, दो बार नहीं निकलेगा, तीन बार नहीं निकलेगा, निकलेगा क्यों नहीं, इनकी ऐसी की तैसी हाँ निकलेगा ऐसी। अगला टाइप लेकर चलें कि एक दो और कराएं, हो जाएगा ना?
ठीक है, नेक्स्ट टाइप, टाइप क्या है इसी का यूज करवाएंगे हम। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करें, आपको कितना सेकंड दिया जाए इसको लगाने के लिए? 10 सेकंड बहुत है, 5 सेकंड नहीं, 5 सेकंड नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ 10 सेकंड बहुत है। ट्राई करो, 10 सेकंड में लगाओ इस क्वेश्चन को। थ्री सेवेंटी, वेरी गुड, आंसर आया 370, 370, बस ठीक ना? नहीं हुआ, डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ जी, तुम्हारा दूसरा आ गया 370, 370, इसका सही भी है, एकदम सही आंसर है 370। अब पहले भी बता चुका हूँ मैं, एक बार फिर से मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को, चलो ध्यान दीजिए, बताएं होल में लिखा हुआ है तो इसको पता है 3+ लिखते हैं, 3+, तो पहले ये वाले सब एक साइड कर लो, ये वाले तो 3+33+ एंड सो ऑन 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ठीक है ना, हो गया ना, और लगाओ बीच में प्लस। अब 1/3, 1/3, 1/3 कितने बार ऐड कर रहे हो? 6 टाइम्स ऐड कर रहे हो, 6 बार, ये है टोटल कितने, 6, तो 6 बार जोड़ रहे हो। अब सोचो 1/3, 1/3 दो बार जोड़ोगे 2/3 आए, 3 बार जोड़ोगे तो 3/3 आएगा, 4 बार जोड़ोगे तो 4/3 आएगा, तो 6 बार जोड़ोगे तो 6/3, ऐसे समझ सकते हो। 2 को अगर 2 बार जोड़ते हैं तो 2 का 2 गुणे हो जाता है, 2 को 3 बार जोड़ते हैं तो 2 का 3 गुणे हो जाता है, ठीक है, 2 को 10 बार जोड़ेंगे तो 2 गुणे 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1/3 को कितने बार जोड़ना है? 6 बार, ये टोटल 6 है ना, 6 बार जोड़ना है, तो 6 से क्या कर देंगे, गुणा। कई बार समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान देखो, इसको जोड़ने का तरीका क्या है, इसका जोड़ने का तरीका भी मैंने बताया, ऊपर लिखो कितने, 6, 5, 4, 3, 2, 1, चलो गुणा करो बेटा इसका, 36, 18, ठीक है, 5, 15, 15, 1, 16, ठीक है, 4, 3, 12, 12, 1, 13, 3, 3, 9, 1, 10, 3, 2, 6, 6, 1, 7, और 3, 1, 3, ये बन गया। इसमें जोड़ना कितना है, 3, 2, 6, 2 जोड़ना है केवल, चलो 2 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा कितना, 370, 370। डिफिकल्ट था, आसान था ना, बस यही करना था आपको, फिर से बता दें, देखो कुछ नहीं करना है, होल का मतलब पहले ये समझ लो, होल का मतलब है, जैसे मान लो लिखा 5 होल 1/3, इसका मतलब होता है 5+1/3, इसका मतलब क्या होता है, 5+1/3 होता है, मतलब होल जब भी आ जाए, आप करके देख लो, 5 3 15 1 16, 5 3 15 1 16, होल का मतलब यही होता ही नहीं होता है, होता है, तो जब भी होल रहे तो इसका मतलब क्या करना, उनको अलग कर लेना, तो ये भी ऐड में, ये भी ऐड में, ये भी ऐड में, तो सबको मैंने एक साइड कर लिया, ये आ जाओ भैया एक साइड। अब बचा 1/3, अब देखो 1/3+1/3+1/3 × 1/3 कितने टाइम्स है ये, तो देखो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम्स है, अब ये 6 टाइम्स है बेटा, अब मन में तुम ये सोचो ये 6 टाइम्स है, अगर इसको हम 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो 2/3 आ जाता, जैसे ऐड में क्या होता है, जैसे 4 को 2 टाइम्स ऐड करते हो 4 × 2 = 8 बोलते हो, 4 को 3 टाइम्स ऐड कर दो क्या बोलते हो, 4 × 3 = 12 बोलते हो, 4 को 10 टाइम ऐड करोगे तो क्या बोलोगे, 4 × 10 = 40। सिंपल एंड सिमिलरली 1/3 को 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 × 6 हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर इस वाले पोर्शन को क्या लिखूंगा, 1/3 × 6 कर दूंगा, सिंप्लीफाई कर लूंगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 आ गया। एडिशन करने का भी मैंने ट्रिक सिखाया आपको, करना आ गया एडिशन, तो एडिशन कर लेंगे एंड 2 ऐड कर देंगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हो जाएगा भाई साहब आप लोग का, ठीक है। थोड़ा डिफेंस बताने में क्यों है पता है, ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, शायद थोड़ा हिंदी में इनको थोड़ा सा अचीवमेंट थोड़ा कम होती होगी, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, एक बार हमने बोला इनको कुछ नंबर दिया, कहेंगे क्या बात, कहें बिटिया इसको मूर्खता बोलते हैं, अगर तुम्हें 200 रुपये बोले तो बोलो 1000 रुपये देकर चले आओ, इनका भी मेम्स की कहानी चले, तो उनको समझाया हमने, कहा आपको इतना नॉलेज रखना है कि आपको हिंदी के नंबर और इंग्लिश नंबर दोनों पता होने चाहिए, नहीं पता चला वहाँ कोई बोला कि कितने रुपये के 100 रुपये किलो आलू चल रहे हैं, 1000 में, ओके ओके ओके, अब इंग्लिश इतनी भी इंग्लिश ना झाड़ो कि सामने वाले इतनी इंग्लिश आए कि तुम अपना काम समझ पाओ, आपको बोथ लैंग्वेज 12th तक का बोथ लैंग्वेज आना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ इंग्लिश में भी आना चाहिए और हिंदी में भी आना चाहिए, नहीं अब मान लो मोस्टली बच्चे अब हिंदी मीडियम का लड़का आता है, मान लो कोई 12th का लड़का पढ़ रहा है और हिंदी में लड़का आता है, दीदी ये क्वेश्चन बता दे, अब 8th का लड़का 12th का लड़के से क्वेश्चन पूछता है ये और लैंग्वेज था उसमें हिंदी लिखी है, बेटा ये हमें समझ नहीं आ रहा,
भले तुम्हें बहुत अच्छे मैथ में हो लेकिन तुम्हें लैंग्वेज समझ में, तुमने वापस कर दिया, अब वो बाहर वह बनती नहीं तेरी, ये कुछ तो नहीं बता पाए ना है, ये हम कहा बत रहा, हम पूछे ना खाली ऐसे पूछे गिनना है, बता नहीं पाए। यही तो बोलेगा ना, इतनी हिंदी इंग्लिश नहीं, आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपका हिंदी सामने क्वेश्चन आ रहा है तो हिंदी में पढ़ के जवाब दे सको, इतनी अंडरस्टैंडिंग 12th तक की होनी ही चाहिए आपको लैंग्वेज में, अगर आप इतना नहीं है तो बेवकूफ़ हो, समझदार नहीं हो, बेवकूफ़ हो। अब मान लो हिंदी मीडियम में हो, आप बोलोगे सर इंग्लिश में ना बताओ, तो भी बेवकूफ़ी है, बिकॉज अब मान लो सीबीएसई बोर्ड का लड़का, फिफ्थ क्लास लड़का एक वर्ड प्रॉब्लम लेकर आता है, बोलता है दीदी बस क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन ये था कि किसी आलू को 5 रुपए में खरीदते हैं और 10 किलो आलू, 1 किलो आलू को 5 रुपए में खरीदते हैं, 10 किलो आलू कितने रुपए में खरीदेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन सिंपल। लेकिन अगर इंग्लिश में टोटल लिखा है, तुमने खाली इंग्लिश देखा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में लेके आओ, तो बता तुम मैथ में बहुत अच्छे हो और तुमने लैंग्वेज को देख के ऐसे वापस कर दिया, सोचो तुम्हें बाहर जाके क्या बोलेगा, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। इसलिए हमेशा अंडर टू 12th हमेशा याद रखो बोथ लैंग्वेज आपको आना चाहिए, लास्ट में तो इंग्लिश ही ओनली हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रही बेटा, ये समझ आ रहा ना, ये भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, ये दोनों ही सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, देखो देखो हिंदी में बढ़िया अचीव करते हैं, अभी तुम्हें इंग्लिश में थोड़ा बोल देते हैं क्वेश्चन, हैंग आउट स्टार्ट हो जाता है, इनको हिंदी में बोलते हैं, डेली बोलते हैं इनको हिंदी में, बल्कि इन्होंने कभी हिंदी में नहीं पढ़ा, कभी भी हिंदी में नहीं पढ़ा, इनको टोटल मैंने खुद इंग्लिश में ही पढ़ाया है, लेकिन करते हैं डेली क्वेश्चन करते हैं, अब एक दिन इनकी लैंग्वेज तुम्हें पढ़ना पड़ जाता है तो आफत आ जाती है, ये तुम्हारी लैंग्वेज से डेली पढ़ते हैं ना, और अगर इन्होंने इनकी अगर देखा जाए ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो इन्होंने इंग्लिश में किताब खरीद रखी, इन्होंने इंग्लिश में ही सॉल्व करते हैं और हिंदी में भी सॉल्व करते हैं, पेनाइकल इंग्लिश में खरीद रखी है तो पेनाइकल इंग्लिश में सॉल्व करते हैं, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बोलो ना, इसी वैसी बोर्ड के बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हमेशा याद रखो लैंग्वेज इशू नहीं होना चाहिए, हमेशा लैंग्वेज को दोनों पढ़ो। अब परसेंटेज मैंने पूरा इंग्लिश में क्वेश्चन रहता था, मैं उसको ट्रांसलेट करके तुम लोग को हिंदी में बताता था, क्योंकि वो उस बुक में हमने देखा था कि सारे टाइप मुझे अच्छे से मिल रहे थे, इसलिए मैंने उस बुक से पढ़ाया था, अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था, तो यही चीज़ें हैं। इस टाइप के एक दो और क्वेश्चन कराएंगे, समझ में आ गया, हाँ आ गया ना, हाँ जी बोलो, बहुत बड़े होंगे तो उसके लिए तरीका हमने पीछे सिखा रखा था, कृपया रिमाइंड करिए और बताइए, याद करो वो दिन याद आ जाएगा ना, हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं आपको, तो ऐसे क्वेश्चन के क्या ट्रिक है लगाना चाहोगे अपने आप से, भी लगे ट्राई तो कर ही रहे इतनी देर से, अब हम बता दें सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या है, एकदम सिंपल है, करना क्या है सोचो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, यही तो नहीं आवत रहा फिर भी सोचो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 इक्के ज्यादा अच्छा सेंस ना लगाएं, सीधे हम तुम्हें ट्रिक सिखा देते हैं, ट्रिक ये है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले और लास्ट वाले का डिफरेंस देखना है, पहले और लास्ट वाले क्या देखना है, डिफरेंस, तो पहले और लास्ट वाले डिफरेंस कितना है, 6 का है, तो आपको देखना है कि पहले और लास्ट में डिफरेंस कितना है, वो लिख लो 6, फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले के जो 2 नंबर है उनको लिखो, गुणा कर लो, 4 इक्के 4 लिख लिया हमने, फिर अंतिम के जो 2 नंबर है उनका गुणा कर लो, अंतिम के जो 2 नंबर उनका गुणा कर लो, तो माइनस लगाओ इनका 2 गुणा करो, अब गुणा नहीं आता होगा, बता दो इसे 140 गुणा आएगा, ठीक है, पूरा नहीं इतने गुणा करना है, लास्ट दो ना यार, 3 0 3 0 3 0 ये समझ आया, ये आ गया ना, क्या करना है ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से सुनो, ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या करना है, इन अंतिम और पहले का डिफरेंस देखो, वो लिख लो, फिर क्या करना है, अंतिम के 2 लिखना है इधर और गुणा करके, और लास्ट के 2 लिखना है इधर गुणा करके, क्या ये बात सबको समझ आ गया, नहीं आया, नहीं आया, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले देखा कि दुल्हना कहाँ खड़ा है और दूल्हा पापा कहाँ खड़ा है, ठीक है, ये हैं दूल्हे भाई साहब, ये हैं उनके पापा, उनके बीच का अंतर देखो, लिखो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का अंतर, ये चाहे यहाँ नहीं हर जगह सेम होगा, चाहे यहाँ के देखो किसी भी नंबर में देख लो, किसी भी नंबर में सेम आएगा, किसी भी नंबर में देख के देखो कितना सेम कितना आ रहा है, सभी में देखो 6 6 आ रहा होगा, तो इसलिए उसको यहाँ लिख लो, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का जो डिफरेंस होगा उसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, अब आपके पास 3 नंबर्स हैं, किस नंबर को यहाँ लिखना है, तो लास्ट के 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करके लिखो, 4 1 जा 4,
फोर वन अपान, क्लियर हुआ? फिर माइनस लगाओ, फिर लास्ट के इधर, इधर पहले के टू नंबर लिखने हैं, इधर लास्ट के टू नंबर लिखने हैं, लास्ट के दो नंबर लिखो, अब इनका गुणा कर लो, लास्ट के दो नंबर का गुणा करो, 16 गुणे 19 कर देंगे, याद है? अभी भी नहीं आई बात? पहले जैसे अभी क्या होता था, पहले एक ही नंबर होता था, पहले इधर पहले वाला उधर लास्ट वाला कर लेते थे, अब इसमें क्या करना है, इधर छोटा बड़ा कर लेते हैं, अब छोटे वाले में दो और बड़े वाले में लास्ट के दो, छोटे वाले में पहले के दो और बड़े वाले में लास्ट के दो नंबर जो होते हैं उनको गुणा करके लिख लेना है। अभी समझ में आ गया नहीं आया? आ गया। आने के बाद अब इनका कर लेना है 13 गुणा, अब बताओ 304 में 6 सॉरी 304 में 4 घटाओ, 304 में 4 घटाओ कितना आएगा 300 और बटे में कितना 4 गुणे 304, देखो काटो 50, काटो 25 और नीचे कितना, तो करो गुणा करो 25 बटा 608, ये आपका आंसर। किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? तुम लोग को नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? सबको आ गया? आ रहा है? तुम लोग को आया भवानी हो? ये डाउट है इधर सबको आ गया ना? हो गया? ओके बच्चों, इधर बहुत टाइम ले लेते हो यार। आई है क्या? नहीं हुआ? बच्चों हुआ? बहुत टाइम ले रहे हैं। 594 और एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, रेज्यूम में नहीं आ रहा है, रेज्यूम आ रहा है ना, गलती कर देंगे। नहीं देसी को मतलब ही वही हुआ। आ गया तुम लोग का? आ गया लेकिन पता नहीं है। आ गया क्या आया? आया इतना तुम्हारा नहीं आया? अभी हम देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। चलो यहाँ पे ट्राई कर ले, बहुत टाइम ले लिया, अभी कहीं लग रहा था लग जाएगा, कहाँ देखो लग ही नहीं रहा है। डिफरेंस देखेंगे सेम आएगा सभी का, 4 चला ना, इसलिए डिफरेंस रखेंगे यहाँ पे कितना 4। अब क्या करना है सर? अब ये ऐसा करना है कि लाभ पहले के 2 छचौके 24, फिर माइनस अंतिम के 2 गुणा कर लो 2400। अब इनका करना है डिफरेंस, अब इनका डिफरेंस करोगे कितना आएगा, 2400 में 24 घटाओ 2376 और बटे में कितना 24 गुड़े 2400, बस ये बना। अब इसको 4 से काटो कटेगा, 4 पंचे 20 कितना 3, 4 नया 36 कितना 4 चौके 16, 4 से काटो कटेगा 2 से कट जाएगा ना, 2 से 12 से काट दें सीधे, फिर 12 से कट जाएगा, ये बढ़ते 48, 12 5 7 बच्चों 48 गेरा, तो 6 से काट दो ना, 6 24 कहाँ कट रहा है, 6 से काटो, 6 चौक 24 हुआ, 6 से काटो उसको, 6 1 54 कितना बचेगा,
पाँच कितने बने, छः चौवन बन गए ये। अब देखो ये कटेगा किसी से, नहीं कटेगा, तो 99 बटे, अच्छा यहाँ 3 से काटो इसको, 3 33 आ गया, इसको काटो 3 8 24, अब तो और कटेगा है नहीं, चलो अब करो 33 बटे कितना 8 चौके 32, तो ये आपका आंसर यही आया था ना, बस यही आपका सही उत्तर है। लगा समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो समझ में आया सभी को, बस ऐसे प्रश्न को ट्राई करना है। सबसे डराने वाले क्वेश्चन, देखने में डराने वाले और करने में आसान, सीधे बोल रहा हूं ध्यान देना, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन मिल जाए अनंत तक जाएगा, कहां तक जाएगा अनंत, ऐसे क्वेश्चन अनंत तक जाएगा तो आंसर में सीधे ए बोल देना, बस हो गया काम खत्म, जो भी लिखा रहे अंदर वही बोल दो बाहर, नहीं सुनने बात, क्या बोला मैंने, अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए एंड सो ऑन अंडर रूट ए, ठीक है एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक लिखा रहे तो आपका आंसर इसमें क्या आएगा, ए ही आएगा, जो भी अंदर लिखा वही आंसर आएगा, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा आंसर क्या आएगा 4, चाहे जो क्वेश्चन उठा लो 6 6 6 6, आंसर क्या आएगा 6, चलो प्राइम नंबर उठा लो 5 5 5 5 एंड सो ऑन, आंसर क्या आएगा 5। अगर इनका मेथड पता हो तो एग्जाम में अगर आंसर आ जाए तो मुझे लगता है इसको करने में 1 सेकंड लगेगा, 5 तो 5 6 तो 6, है कि नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन 1 सेकंड में आराम से कर सकते हो आप, कर लोगे ना, डाउट है कर लोगे, तो ये एक टाइप कंप्लीट हुआ तुम्हारा। अब देखते हैं इसी टाइप में है, अभी इस टाइप में 2-3 क्वेश्चन है, इसी टाइप में 2-3 क्वेश्चन है, हाँ क्यूबिक में 2, यहाँ 2 थी है ना, अब यहाँ 3 रखेंगे, 3 क्यूबिक लेने वाले हैं, ऐसे प्रश्न को कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, मान लीजिए हमने आपसे कह दिया यहाँ पर 3 ले लिया, 27 ले लो, 27 नहीं 9 ले लो, 9 ले लो 9 9 9, अनंत। अब ऐसे क्वेश्चन में तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसका आंसर होता है रूट ए आता है, क्या आता है रूट ए, यानी जो भी ए दिया गया उसका अंडर रूट करना है, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा अंडर रूट कितना है 9 है, तो लिखेंगे 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 3, ये आपका उत्तर 9 का वर्गमूल 3 होगा, कर पाओ नहीं कर पाओगे, कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, आंसर बोलो अंडर रूट 5 हो रहा है तो सॉल्व कर लेना, और हुआ नहीं तो सीधे लिखे रहने दो, ये आपका उत्तर। अगला प्रश्न, हाँ बेटा रुक जाओ, धैर्य रखो, इसको यही कहते हैं, अभी हम तुम्हारे लिए स्टोरी सुनाएंगे, पेशेंस रखो, स्टोरी सुनाएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए स्टोरी बहुत अच्छे से हमारे पास रहती है। इसका आंसर कितना होगा, तो करेंगे अंडर रूट 16, अंडर रूट 16, 4 कर दिया क्या मैंने तुम्हारे चक्कर में, रे यार तुम गड़बड़ कर दियो, फिर से करना पड़ेगा ना, हाँ इसका आंसर कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 4, कितना आंसर आएगा 4, मुझे लगता है कर लोगे अब, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप उठाते हैं, नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, हाँ तुम क्या बोल रहे थे, कहानी तुम्हारी सुनाएंगे, इनकी कहानी इन्हें, इनको कहानी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि इनके मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो कि मुझे लगती हैं एज ए कम से कम तैयारी करने वाले बच्चे के अकॉर्डिंग गलत। अब हम ज़्यादा इसलिए नहीं टोकते हैं कि ज़्यादा बच्चों को टोको ना लगे हमें उंगली बहुत करते हैं सर, है ना, लेकिन रियलिटी में वो गलत हैं, ये इनको कंपटीशन में हमेशा पीछे करेगा, हमेशा ये जो आदत है ये इनको हमेशा पीछे करेगा, और ये हमें एक बार आगाह तो करना ही पड़ेगा, बाकी इनकी मर्जी। फिर मन में आएगा सर 4 हो जाए, फिर मन में आएगा 5 हो जाए, फिर मन में आएगा 6 हो जाएगा, चलो हम तुम्हारे लिए एन का बता देते हैं,
जितना आए एन रखना, चेंज करो आंसर, क्या कहते हो बता दें। आपने देखा दो था तो एक पावर थी, तीन था तो दो थी, तो चार होगा तो तीन होगी। इवन ऑड कुछ नहीं होता, रुक जाओ, अब नई नई चिल्ला लो, अब हम बता रहे तो ना ही ऐसे बड़ा पता है कहा ना ही इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन लिख के दे दिया था, ये ना कह सको कि नहीं ना ही इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन दिया था, इस बार बाद में बताया, मैंने पढ़ा रहा हूं ठीक है। यहां पे मान लो एन आ जाए, ना ही आते हैं तुम्हारा ना ही एन एन ऐसा नहीं, मैं प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन अब प्रूफ करने में तुम लोग को कहां दिमाग लगाते हो, पहली बार जब मैंने पढ़ाया था प्रूफ ही करके बताया था ना, लेकिन अब प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, मैं सीधे बताऊंगा। इसका पावर देखो ना, ध्यान से देखना क्या होता है, यहाँ ए लिखो, अगर यहाँ एन है तो यहाँ पे बस एन माइनस वन कर दो, एक कम कर दिया, तभी तो देखो तीन था तो दो हो गया, दो था तो एक हो गया था ना, तो ये सीधे एन माइनस वन हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पावर क्या रखनी है, एन माइनस वन कर देनी है। तो मैं आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ, हर टाइप का एक क्वेश्चन, वेरी सिंपल, और इसी फॉर्मूले से मैं करके दिखाता हूँ, देखना सीधे आंसर आएगा। फिर दूसरा वाला जो मैंने बताया वो याद रखना, फिर मैंने तीन ले लिया था यहाँ पे, चलो इसको हम 16 लेते हैं, 16 ये भी 16 ही है, 16 और यहाँ पे अगला क्वेश्चन, कहाँ 32 16, हाँ तो तुम चिंता ना करो, हम बता रहे हैं हो जाएगा ठीक है। चले, हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा आपको बस, ये जैसे n है तो उसमें n में एक कम कर दीजिए, जब यहाँ कुछ नहीं होता तो हम दो मानते, क्या मानते हैं दो, तो दो में एक कम करेंगे, एक एक मतलब कोई पावर मतलब नहीं, सीधे वही आंसर लिखा जाएगा। तो 16 है तो क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 17 है तो 17 लिखेंगे, 19 है तो 19 लिखेंगे, जो भी होता है अंदर वो उसको सीधे लिख देते हैं, क्या ये बात क्वेश्चन में आ गई ठीक है। अब यहाँ पे तीन है तो तीन में क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा दो, तो दो का मतलब होता है वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल कितना होता है चार होता है, तो 16 का वर्गमूल चार आ गया। अब चार लिखा है बेटा, तो चार लिखा तो कितना कर देंगे तीन, एक कम कर देगा, चार लिखा कितना कर देंगे तीन कर देंगे, और तीन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 27, 27 का घनमूल कितना होता है तीन होता है, तीन का तरीका 27। अब देखो यहाँ पांच है, पांच में एक कम कर दो बेटा, कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, और किसका है 16 का है, और 16 का पावर चार करना है तो कितना, किसके पावर चार करते 16 हो जाए, किसके पावर चार करते 16 हो जाए दो का, तो आंसर में क्या आएगा दो आएगा, ये आपका आंसर। कहानी क्लियर, डाउट क्लियर, तो यहां से कुछ भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सीधे आंसर इसी फॉर्मूले से आ जाएगा, ये जो हम पहले बताए थे वो भी आ जाएंगे, क्लियर डाउट नहीं, क्लियर क्लियर, क्या चीज ये मत सोचा करो, लिखने के बाद तो समझ में आ जाता है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बस हो गया, अब लिखने की बात तो समझ में आ जाता है ना, तो बस क्यों पूछना, कहानी क्लियर नहीं, क्लियर कहानी क्लियर है बेटा, ये इसलिए हम लिख रहे हैं, मतलब मान लिया हिंदी नहीं समझ, लिख तो रहे हैं वो तो समझ सकते हो, ये तो अंडरस्टूड है, अभी तो हमने खुद पढ़ा रखा है ठीक है। आगे बढ़े, पूछ के तुमने मूर्खता दिखाई और कुछ नहीं यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना चाहिए था, अगर कोई चीज नहीं भी आ रही तो उसको रिलेट करो, जो चीज तुम्हें आती है उससे ऑटोमेटिक तुम्हें आंसर जवाब मिल जाएगा ठीक है। जैसे हमारे सामने, हमने क्या शुरुआत में इंग्लिश में पढ़ा था, कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन इंग्लिश में सब सीखा, सब कुछ आता है, अब चाहे हिंदी में पूछो चाहे इंग्लिश में, तो कैसे ये सब पॉसिबल है, तरीका बताए ना, जो तुम्हें आ रहा है उसी से तुम दिमाग लगाओ, सब कुछ आ जाएगा। ये वाली कहानी क्लियर हो गई, तो और टाइप बताए थे, बस यही टाइप था ना, कितने टाइप क्वेश्चन लिखे थे, कौन माइनस प्लस, अच्छा माइनस प्लस, चलो प्लस माइनस वाले देखो, फिर आप रहने दो आज उनको है ना, होल्ड करो, तुम्हारी कहानी बाद में कभी सुनाएंगे 17 में, नहीं कहानी वो बढ़िया है,
इनकी कहानी। अच्छा एक चीज तुमने देखा है, ये हम तुम्हें ऐसा एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल देकर समझाते हैं, कहानी तो नहीं लेकिन एग्जांपल जरूर है। न्योता गए, कौन न्योता? निमंत्रण, निमंत्रण गए हो गए। तो होता क्या है कि एक पनीर और छोला जो भी है, पुलाव उलाव बढ़िया आराम से पूड़ी कचौड़ी और तंदूरी लेकर खा रहा है, और एक गलती से उधर आ जाता चाउमीन लेकर, एक मुंह में पनीर का टुकड़ा गया, अपने पनीर पर बिल्कुल फोकस नहीं कि पनीर भी है छोला भी है पूड़ी रखी है ना सब कुछ रखा है, हे यार तनिक एक चम्मच खिला देता ना, हे एक चम्मच नहीं अच्छा तुम ये ले लो, हमका यार तुम ये खा लो है ना, तो कुछ ऐसा सीन। और जब वो अरे खाओ भाई वो भागा छुट जा रहा, तुम्हें दूसरा मिल जाएगा, नहीं पहले वो खाएंगे। और कुछ तो इतने हवसी होते हैं मुंह में भरा हुआ है, एक चौमिन को मारेंगे धीरे में खाएंगे, और गलती से खा रहे हैं चौमिन खा रहे हैं, और एक आइसक्रीम लेकर आ जाता है, आइसक्रीम लगी का कहाँ कहाँ लगी है हमको पता ही नहीं रहा, इतनी खवाओ खाती खवाओ अच्छी है यार, ये समझ पा रहे हो ये समझ पा रहे हो? चलो मैं एक एग्जांपल और इसी में सेट कर देता हूँ समझ में आ ही रही होगी कहानी। अब दूसरा अब देखो कहानी ये होती है, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक का सपना था कि यार हम टॉप कर लेना तो लाइफ सेट, तो टेंथ में उसके 98% आ जाते, तो 98% आ गए यार ठीक है, लेकिन अब कौन से कॉलेज में लगे, वे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो बहुत लाइफ सेट हो जाए, अब वे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया उसको ठीक। अब आए यार ट्वेल्थ में अगर हमें 99 आ जाती परसेंट आए तो काहे पूछे अगर, चलो मान लिए उसको 99 भी आ गई, UPSC निकल जाता, काहे खाती थी मेहनत की नहीं, UPSC बीटेक में एडमिशन सोचा, बीटेक में भी एडमिशन मान लो हो गया, जिस कॉलेज में सोचा उस कॉलेज में भी हो गया, अब UPSC निकल जाता तो सही होता। इंसान को देखो हम बता रहे हैं तुम्हें, अभी UPSC भी मान लो निकल गया, सपोज दैट UPSC भी निकल गया, एक सुंदर मेहरिया शादी हो जाती तो लाइफ सेट हो गया, और मान लो वो भी मिल गया, अब लाइफ सेट उनकी है लेकिन अभी भी लाइफ सेट नहीं है, यार पड़ोसी मेहरिया कुछ ज्यादा सुंदर है, अगर वही से शादी हो तो कितनी अच्छी बात रही। ये है उन बच्चों की कहानी जिनके, देखो मैं बता रहा हूँ उन बच्चों की कहानी है जिनके क्या होता है ना कि जो लाइफ जी रहे, जैसे अभी मान लो कि हमारा एडमिशन, जैसे सपोज करो हमें क्लास में आ गए, अब जैसे मान लो हमने चाहा था कि हमारे उस कॉलेज में एडमिशन हो, सपोज दैट, ये कहानी थोड़ा विपरीत सोचते हैं, ये ऐसा था थोड़ा विपरीत सोचते हैं, हमने सोचा 98 आए, नहीं आया 70 आया, कोई बात नहीं हम 70 को लेकर जो आया उसमें अब भाई किया हमने है ना, तो 70 को लेकर हम अपनी लाइफ को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन और ना चाहें तो पूरी लाइफ इस बात से रोते रहेंगे कि यार हमें 90 क्यों नहीं आए, इस बात से पूरे लाइफ रोते रहेंगे, तो हमारा लाइफ स्पॉइल होगा या बनेगा। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सपोज करो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस तब नहीं पढ़ेंगे, तब दूसरा काम करेंगे, तब पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, तब पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। अब मैं प्रॉफिट लॉस से जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो अब इनका प्रॉफिट लॉस में डाउट आएगा, वो शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ इनका प्रॉफिट, सर ये डाउट बता दो, और ना बताए गलती से, ये डाउट नहीं बताते ना पढ़ा, अगले महीने से कोचिंग छोड़ दिया ना पढ़ा, तुम पहले ये सेंस लगाओ कि यहाँ हम बताना क्या ध्यान देना। जैसे अभी हम यहाँ पढ़ा रहे थे ये क्वेश्चन, तो भाई साहब को खुलेगा कौन सी, हम ये नहीं के लिए बता रहे हैं सर, भाई साहब खुलेगा कौन सा, अब भाई साहब का जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये आज कैलकुलेशन चल रहा है, कैलकुलेशन अब उनका प्रॉफिट लॉस लगेगा ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूँ तो उनका वो टाइप लगाएंगे जो टाइप मैंने नहीं पढ़ाया है, जो टाइप मैं पढ़ा चुका हूँ वो टाइप पढ़ाएंगे, मतलब उस टाइप पर डिस्कस नहीं करेंगे जो टाइप मैं पढ़ा रहा हूँ, और फिर मैं जब आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर उस टाइप को डिस्कस करेंगे, यार या तो फंसी रहा या कैसे लागी, या तो लग भी ना करी हमको लगा। हमारा सेंस ये है बोलने का कि आप जब जो चीज़ पढ़ रहे हैं आपको पूरा फोकस केवल उसी पर होना चाहिए, नहीं जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये 100% नहीं आता है, आपको समझाया जा रहा है इसलिए आप अचीव कर पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो आपको लगता है कि हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है, आप पूरा सीखो पेशेंस के साथ सीखो, आपको समझ में आ रहा है इसलिए इतने प्यार समझाया जा रहा है, हो सकता है कि मैं बहुत तेजी से पढ़ाता था आपको उतनी अच्छे से समझ में ना आता, आपको समझ में आ रहा है ये बहुत अच्छी बात है, तो उसको प्यार से समझो पेशेंस दिखाओ। बच्चों का क्या होता ना, अगर इजी लगने लगा समझ में आने लगा अच्छे समझ में आने लगा तो भागते बहुत तेजी के साथ, पेशेंस होता ही नहीं है, और अगर समझ में ना आने लगा फिर बोलते पढ़ा ही नहीं पा रहे हो, मतलब अच्छे से पढ़ा दो तो पढ़ा बहुत या धीरे पढ़ाते हो, और अगर स्पीड में पढ़ा दो तो पढ़ा ही नहीं पाते हो।
ना उल्टा ना सीधा। तो तरीका यह है कि आपको समझ में आ रहा है तो आपको क्या रखना है, पेशेंस रखना है और धैर्य से सुनना है चीजों को, क्योंकि आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगा। और अगर आप पेशेंस खो देते हैं यहां पर तो एंजाइटी क्रिएट होगी आपके अंदर। एंजाइटी क्रिएट क्यों होगी, क्योंकि आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आगे फंसोगे भी उसी टॉपिक में, फंसोगे जिस टॉपिक में आपने पेशेंस नहीं रखा था, जो आपको इजी वे में समझ में आ रहा था। कंपटीशन में सबसे कहानी यही चलती है और तुम्हारी सबसे बुरी आदत यही है, समझा। मैंने बोला ना ये तुम्हारी कंपटीशन में ये जो आदत है ये तुम्हें ले डुबाएगा एक दिन, ये सच्चाई है। तो यहाँ पे जो बच्चे बैठे रहते हैं उनकी कहानी में यही सारी चीज़ें तूफान चला करती है। अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो बदतमीजी किया करते हैं बैठे बैठे। आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको आ रहा है तो आप पेशेंस से सुनिए, शायद कुछ नया मिल जाए। आपको नहीं आ रहा है तो और धैर्य से सुनिए, ठीक है। फिर आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, यार सबको आ रहा है हमें क्यों नहीं आ रहा है, जो कमियां हैं उनको डिस्कस करना है, सुधारना है। ये नहीं, अब यहाँ बच्चों का ऐसा होता है, जैसे मान लिया यहाँ से क्वेश्चन डिफिकल्ट मिलना स्टार्ट हुए, अब देखो एक से लेकर 100 तक तो इजी क्वेश्चन रहते हैं, तो इजी में तो बड़ा दिमाग लगाएंगे, और जहां थोड़ा सा मान लो कि 500 क्वेश्चन है और जहां थोड़ा भी डिफिकल्ट हुआ फिर दिमाग लगाना बंद कर देंगे, ये बहुत गलत बात है। ये इजी क्वेश्चन इसीलिए रखे गए थे ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। आपको सीधे क्वेश्चन नहीं बताया जा सकता था, इसलिए पहले इजी क्वेश्चन बताया गया। तो आप याद रखें मैथ के एंड में जरूर जाया करें, क्योंकि एंड से ही पेपर आता है। इजी तो इसलिए दिया जाता है शुरुआत में, जैसे हमने घटाना सिखाया, प्रश्न निकालना सिखाया, छोटे छोटी चीजें जोड़ घटाना सिखा रहा हूँ, तो ये थोड़ी एग्जाम में आएगा। ये तो इसलिए सिखा रहा हूँ माइंड मेकअप करने के लिए, ताकि आप धीरे धीरे करके उस बात को समझ पाए जो आपके एग्जाम में आते हैं। बच्चे पेशेंस खो देते हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आपका पेशेंस बना रहना चाहिए। आपको फिर अपने आप से खुद क्वेश्चन पूछना है, यार अभी तक तो कर पा रहे, अब क्यों नहीं कर पा रहे। कुछ तो चीजें जो हमसे छूट गई हैं उनको पकड़ो, क्योंकि ये रिलेट करता है। अगर आप एक सीढ़ी चढ़ोगे, देखो जैसे सीढ़ियां हमारी होती हैं, ठीक है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हमारी होती हैं, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यहाँ शुरुआत में होते, जब यहाँ शुरुआत चढ़ते हो अरे मजा आ रही है, मजा तो आएगी कि शुरुआत में 10-15 सीढ़ी चढ़ने में कितनी मजा आती है। कभी 2000 सीढ़ियाँ एक साथ चढ़े हो, कभी चढ़ के देखना, शुरुआत की सीढ़ी में तुम दौड़ते हुए चढ़ोगे, बहुत तेज भागोगे। हम बोल रहे यहाँ तक बढ़िया, जहाँ 200 सीढ़ियाँ चढ़े अब ऐसे चढ़ेंगे, पैर में अंगूठा लगा, एक एक स्टेप ऐसे लगेगा जैसे लग रहा है कि यार ए भाई, फिर दूसरे 500 चढ़ने के बाद कहते हैं सहारा ले लो यार, चढ़वा लो। ये जो कहानी सीढ़ी चढ़ने में यही हमारा हो, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, आप यहाँ हो, आपको यहाँ जाना है। आप शुरुआत से ही पेशेंस से चलो ना, पहले क्यों भाग रहे हो जबरदस्ती। यहाँ डूब जाओगे अगर शुरुआत में पूरी एनर्जी खो दोगे, तो एनर्जी यहीं से बनाना स्टार्ट करो, यहीं से एनर्जी बना बना के चलो, एनर्जी बना बना के चलो, ताकि यहाँ तक आप पहुँच जाओ। जब यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, इस लेवल को क्रश कर लोगे, तब जाके कहीं आप उस पॉइंट को टच कर पाओगे, तब आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। भेजें बात चढ़ रही है, अगर आप यहीं तक बड़े हुलफुला गए शुरुआत में, इजी दिया गया बड़े हुलफुलाए, लास्ट में पक्का डैमेज कर दोगे। तो शुरुआत से ही पेशेंस आपका रखना, जो बच्चे शुरुआत से धीरे धीरे प्यार से सीढ़ी को चढ़ रहे हैं, एनर्जी लॉस नहीं कर रहे अपना, आराम से जा रहे हैं, तो विश्वास मानो वो आगे थकेंगे, मानूंगा नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं थकेंगे, थकेंगे, लेकिन इनसे बाद थकेंगे। यहाँ पे उनको दिक्कत होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी इनको हो रही है, और आराम से उस लेवल को टच कर पाएंगे। जब ये लेवल टच करेंगे इनको अचीवमेंट ज़्यादा अच्छे से प्राप्त होगी, इनको लास्ट में दिक्कत कम होगी, जो शुरुआत से पेशेंस बना के चल रहे हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यही होता है सही तरीका पढ़ाई करने का। और तो यहाँ पे जितने बच्चे मेरे पास आते हैं, मोस्टली बच्चों में मैंने देखा है कि शुरुआत में पेशेंस तो ठीक है, शुरुआत में जब इजी चलता है, और जी तो देखा होगा हम पढ़ाते हैं हर चीज़ को बेसिक से ही बताते हैं, लेकिन हमेशा जोड़ घटाना नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि आपको वो लेवल टच करना है। हमेशा हम इसी जगह से आके बार बार यहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे। तुम खुद सोचो चौथे सीढ़ी में पहुँच गए, फिर बोलो नहीं जीरो सर चौथा बताओ, फिर जीरो से पाँच बताओ, तो ऐसे कभी आप मंजिल में पहुँच पाओगे? जल्दी नहीं पहुँच पाओगे। मंजिल पहुँचना है तो अगर चौथे से पहुँचो तो चौथे से पाँचवा जाता है ना, फिर पाँचवें से छठवा जाता है, फिर छठवें से सातवां जाता है, सीधे कोई नहीं आ पाएगा छठवें में। तो तरीका यही पढ़ने का होता है कि आप पहला अच्छे से क्लियर कर लो, फिर दूसरा स्टेप क्लियर करो, फिर तीसरा स्टेप क्लियर करो, फिर चौथा स्टेप क्लियर करो, फिर पाँचवा एंड टू, तब पहुँचोगे लास्ट स्टेप में, तब आपको कहीं अचीवमेंट मिलेगा। ये गड़बड़ी बिल्कुल करते हैं बच्चे, और सबको चाहिए कि ये स्टेप से सीधे स्टेप पहुंचो, और जब इससे सीधे स्टेप पहुंचो तो भी नहीं समझ में आएगा, और स्टेप में अगर कोई दो स्टेप आप छोड़ दोगे तो भी आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपको हर एक स्टेप फॉलो करने हैं, हर स्टेप अच्छे से चलने हैं, तब जाके आप एक पॉइंट पर पहुंचोगे जिसमें आप कह सकते हो नहीं हम अब भाई जहां से एग्जाम आए हम कर सकते हैं, तब आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम को लेकर, ठीक है। नहीं, एग्जाम पीरियड में हमेशा आप कॉन्फिडेंस लूज रहेगा आपका, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप डिमोटिवेट होते रहेंगे, अपने आप में बोले यार पता नहीं इस बार निकली नहीं निकली यार। आप दो सब्जेक्ट ऐसे रखिए जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि यार जहां से पूछा जाए यहां तो हमें अच्छा करना है, चाहे जहां से पूछा जाए।
तो उसके लिए हमें शुरुआत से पेशेंस बनाना पड़ेगा और शुरुआत से अपनी अच्छी से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी और तब जाके उस सब्जेक्ट में आप अच्छा महारत, जैसे मैथ रीजनिंग आपकी अच्छी है तो मैथ रीजनिंग को और अच्छी कर लें ताकि एग्जाम पीरियड में मैथ रीजनिंग में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक बार रिवाइज किया ठीक है, अब जो पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही है उसको धीरे धीरे सॉल्व करो, ये भी नहीं छोड़ ही दो। बच्चों के क्या होता है, मान लो कि 400 से 500 के बीच में जो क्वेश्चन है उनको नहीं समझ में आ रहे हैं या बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं, हटाओ इसको बाद में पढ़ेंगे। बाद कभी नहीं होता है, जो होगा अभी होगा। अभी पहली बार सीख रहे हो, मान लगे सीख लो, नहीं आ रहा तो टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, दो चार दिन और ले लेना, सीखो लेकिन छोड़ना नहीं है। छोड़ दिया तो एकदम मतलब बेकार हो जाओगे, फंस जाओगे, छोड़ना नहीं है। सीख डालोगे तो फिर लास्ट में रिवाइज करोगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। शुरुआत में स्पीड के बारे में ना सोचो, शुरुआत में केवल सीखने के बारे में फोकस करो। स्पीड तो बेटा सीखने के बाद ऑटोमेटिक आ ही जाती है। होपफुली ये बात सबको समझ आ गई, सबको समझ आ गई तो तुम्हारे लिए बहुत खास करके था क्योंकि तुम ये चीज़ बहुत गंदा फॉलो करते हो। तो ये चीज़ मैंने ऐसा नहीं है कि तुम जैसे सब बच्चे बैठे हैं, मैं सबका माइंड रीड कर लेता हूँ और मैं इसलिए बोलता भी रहता हूँ बीच में, सुधर जाओ सुधर जाओ। मैं दसियों साल से पढ़ा रहा हूँ और जब मैं कक्षा 9 में था ना, मेरी फोटो देख लेना, मैं बच्चा लगता हूँ एकदम, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, कक्षा 9 से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे घर में किसी से पूछ लो को बता देंगे और मैं आज तक पढ़ा ही रहा हूँ। तो पढ़ाने का इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है ना, तुम सोच भी नहीं पाओगे। मैं चेहरा देख के बता दूंगा क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, किसको आ रहा है किसको नहीं, मुझे ये भी पता रहता है। लेकिन मैं उस लेवल को भी टच कराना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बड़े बड़े एग्जाम देखे हैं, आईटी गेट को 2 बार क्वालिफाइड किया हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एग्जाम का सच में लेवल क्या होता है। वो आईटी गेट के बारे में मुझे बताने जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत सेंस होगा तो सर्च करके देख लेना, इंडिया टफेस्ट एग्जाम में से एक होता है, 10 एग्जाम होते हैं जिसमें से एक आईटी गेट और सेशन नेट इंक्लूड पक्का होगा। ठीक है, आईटी जीमेंस जो तुम लोग क्लास 12 के बाद देखते हो उनका बप्पा है ये, समझ सकते हो कितना टफ के एग्जाम हम क्वालिफाई करके बैठे हैं। और हम इस एग्जाम को डील करने के बाद तुम्हें हम उस स्ट्रेटजी को समझाते हैं जो स्ट्रेटजी हमारे लिए बहुत सिंपल होती है, वो स्ट्रेटजी तुम्हें समझाते हैं जिसको तुम फॉलो करोगे पक्का अचीवमेंट मिलेगी आपको, लेकिन फॉलो करोगे तब। बातों में कुछ नहीं है, बातें दुनिया मारती है। होपफुली ये बातें सबको समझ में आ गई, ठीक है तो स्टार्ट करिए लाइफ, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।